भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच कल पुणे में खेला गया। पुणे में खेले गए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इसी बीच पिंपरी के मानव तस्करी विरोधी विभाग ने 2 ब्लैक टिकट बेचने वालों को पकड़ा है। पुलिस ने रवि लिगम्पा देवकर और अजीत सुरेश कदम को हिरासत में लिया है। उनके पास से 6,000 कीमत के 5 टिकट बरामद किए गए। इसे ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था। 1 टिकट ब्लैक में 12,000 रूपए में बेचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 टिकट, 7,000 नकद और कुल 51,000 रूपए जब्त किए। किसी भी मैच के टिकट स्टेडियम में उपलब्ध नहीं है और ये टिकट केवल ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन अभी भी कई क्रिकेट प्रेमी टिकट के लिए स्टेडियम का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह भी बात सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से ब्लैक में टिकटें खरीदी जा रही है। क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं कि 1200 टिकट 8,000 से 10,000 तक बिक रहे हैं, इसलिए कई क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी का माहौल है। 27 साल बाद पुणे को वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिला है। पुणे से हजारों क्रिकेट प्रेमी कल भारत का हौसला बढ़ाने पहुंचे हुए थे। कई क्रिकेट प्रेमियों ने पहले से ही अपने टिकट बुक करा लिए। टाइमिंग को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन लोगों का टारगेट ब्लैक में टिकट बेचे जा रहे हैं जिन्होंने पहले टिकट नहीं खरीदा और मैच देखना चाहते हैं। इस वजह से कई लोगों ने MCA और ICC से नाराजगी जताई है।